समझो। चल फूट ले यहाँ से। नहीं नहीं हम नहीं देगा। 10 रुपए दे रहे हैं कम है क्या? 10 रुपया में? अरे 10 रुपए में हम नहीं देगा। ए बाबू ए, अभी तो 10 रुपए मिल भी रहे हैं, बाद में भी नहीं मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बोल दिया ना 10 रुपया में एक टोकरी नहीं देगा तो नहीं देगा। ए, तेरे दिमाग चढ़ गया है क्या? है? काम वही मिलेगा जो उस्मान मियां देंगे। ले पकड़, उठा टोकरी। क्या हुआ मंगली? कुछ नहीं, इसका दिमाग चढ़ गया है। हाँ हाँ दिमाग चढ़ गया है, हम बोला ना नहीं देंगे बस। शांति क्या हुआ, क्या हुआ मंगली? कुछ नहीं, बोलता है पूरा टोकरी 10 रुपया में दे दो, हम बोला हम नहीं देंगे बस। सुन लिया ना? देखो रेट वही मिलेगा जो हम देंगे और जो हम चाहेंगे। अच्छा तो ठीक है, जहाँ मिलता है वहाँ जाके ले लो। ए लड़के बहुत मुंह खुल गया है तेरा। अरे हमने बोला ना 10 रुपया में हम तुमको नहीं देंगे। सुन लिया ना? नहीं देगी। तुमसे जो होता है कर लो, सब्जी हमारा है। पर ये भी ध्यान रख, दाम उस्मान मियां का है, जहाँ मिलता वहां ले लो मगर यहाँ से चले जाओ। जाओ बोला ना। ये मांडर इलाका सब्जी का क्षेत्र है और यहाँ बहुत ज़्यादा सब्जी होता है, हाट में लोग बेचने के लिए ले जाते हैं। तो वहाँ पर हाट में जो दृश्य देखने को मिलता है कि सब्जी लोग लेके जा रहे हैं और लोग छीन के उठा के ले जा रहे हैं। अब जल्दी खाना बनाओ, आज भूख भी ज़्यादा लगी है। ये शिवू नहीं आया? पता नहीं, हाट तरफ जाऊंगा बोल तो रहा था, बैठा होगा उधर। इसका भी कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं कहाँ घूमते रहता है। बोला था उसको कि पुनगी चला जाए, वहां के लोग अंधविश्वास पे कोई मीटिंग कर रहे हैं। गया तो था पर वही लोग नहीं जुटे। हाट के तरफ गया तो वहां भी झमेला हो गया। क्या हुआ रे, किसी से फिर झगड़ा मारपीट कर लिया क्या? अरे नहीं, वो सब्जी वालों के साथ थोड़ा सा। अरे तुमको मैं पहले भी बोला था, ये लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। ये उस्मान भाई वगैरह का साथ छोड़ दो। ओहो तुम तो जानते नहीं बस। अब बताएगा तब न जानेंगे। वो मंजरी और शांति है ना? हाँ। उनके साथ उस्मान मियाँ का झगड़ा हो गया, उस्मान मियाँ जबरदस्ती कर रहे थे। वो मंजरी बोली कि उसके दाम पर नहीं दूंगी। फिर क्या, इसी बात पर अड़ गए कि लूंगा तो अपने ही दाम पर। इसी बात पर बाताबाती हो गए और आज हाट में सब्जी बिका ही नहीं। तो तुमने उनसे कुछ नहीं कहा? वो तो मैंने ही रोका, नहीं तो उस्मान मियां तो झगड़ा होने पर उतारू हो गया था। और पता नहीं ये शांति और मजरी को भी क्या हो गया, आज पूरा सब्जी के साथ वापस आ गए। ये साक्षरता में क्या थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इनका दिमाग ही खराब हो गया। इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है, साक्षरता का मतलब ये थोड़े ही है कि सिर्फ अ आ क ख जानकर नाम लिखना सीख लें। अपने अधिकार की बात करना क्या गलत है? ठीक है अब सब्जी जल्दी से बना लो, गलत सही बाद में करती रहना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हाट में सब्जी नहीं बिकी तो क्या होगा? क्या होगा, सड़ेगा? हाँ भूख लगी है, खाना दो, जाना भी है मुझे। खाना तो तू खा के ही जाएगा। अगर लड़कियों ने एक बार काम शुरू किया है तो उसका फैसला करना ही पड़ेगा। सब्जी हम लोग लगाते हैं तो दाम हम नहीं लगाएंगे? फैक्ट्री वाले अपने सामान का दाम लगाते हैं कि नहीं? मंगरी सुना तुमने कल बहुत झगड़ा किया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। तो क्या करती, वो बात ही ऐसा कर रहा था। अभी पिछले सप्ताह 15 रुपया था, बोलने लगा कि 10 से ज्यादा देंगे ही नहीं। धमकी ऐसे दे रहा था जैसे कि पानी उसी ने पटाया हो। फिर तो बहुत अच्छा किया, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, हाट में कैसे हाथ पकड़ लेते हैं। वो दड़िया भी कुछ ज्यादा ही करता है, मुझे तो इसी बात पर गुस्सा आता है। सुना है शिबू भी बहुत गुस्से में था। शिबू के डर से वो लोग कुछ कर नहीं पाए, वरना बहुत झमेला होता। शिबू भी ऐसा ही है, वो भी तो उन्हीं लोगों के साथ बैठा रहता है। फिर भी देखा नहीं उस्मान मियां को कैसे धमकाया।
पर सब्जियों का क्या किया तुम लोगों ने? क्या करते? वापस ले आए? पर बेचना तो पड़ेगा ना? नहीं, तेरी शादी के भोज के लिए जमा करके रखेंगे। अरे और हाट नहीं है क्या? बीजूपाड़ा या ब्राह्मे में ले जाएंगे, वहां पर भी तो वही लोग होते हैं। अगर वैसा ही हुआ तो क्या, मेरी शादी की भोज में बना देना। हाँ, तेरी शादी के भोज में सिर्फ साग सब्जी खाएंगे क्या? और बकरा सब क्या छामड़ा खूटा में दिखाने के लिए बांधेंगे? अच्छा अच्छा ये सब बातें छोड़ो, शादी के बारे में बाद में सोचना, अभी सब्जी की सोचो। हाँ, चलो चलो। उस्मान आओ बैठो बैठो। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, कहो कैसे हो? आपसे क्या छिपा है, जो कुछ हुआ वो जानते ही हैं। हाँ मैंने सुना था हाट में तुमसे कुछ। सेठ जी हम व्यापारी हैं, किसी से क्यों उलझेंगे, लेकिन आजकल इन लोगों के मुंह में जबान उगाई है। पहले सब्जी का दाम हम तय करते थे, लेकिन अब देखो। दाम तय करने की बात तो बाद में उठती है, पहले वो लोग तुम्हें सब्जियां बेचेंगे तब ना। सब्जी बेचेंगे नहीं तो करेंगे क्या? देखना तीन चार दिन में सब्जी सड़ने लगेगी, इनके सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। उस्मान मियां, सब्जियां वो तुमको ना बेचकर किसी और को बेच दें तो काम तो ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सेठ जी मैं दाम ही तो कर रहा था, लेकिन वो लड़की बिल्कुल अड़ गई और दूसरे सब्जी वाले भी इकट्ठा हो गए, भीड़ लग गई वहां पर। अरे सेठ जी उस्मान मियां की बाजार में कुछ तो इज्जत है। देखो उस्मान, इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींचो, जितनी जल्दी हो सके निपटा लो तो अच्छा रहेगा। सेठ जी दो चार पैसे कमाएंगे नहीं तो धंधा क्यों करेंगे? देखो उस्मान, तुमसे माल लेने के बाद हमें और भी खर्चा पड़ता है। बांडर हाट से लेकर रांची तक माल का भाड़ा, फिर मजदूर की ढुलाई, फिर यदि रांची में माल की डिमांड नहीं हुई तो उसे कलकत्ता भिजवाना, आखिर चार दिनों तक सब्जी को हम भी नहीं रख सकते। देखता हूँ सेठ जी, कोई ना कोई रास्ता तो निकालता हूँ। देख लो। सेठ जी दरअसल मैं आया था कुछ पैसे। जी देखो इतने से काम चल जाएगा। पांच सौ और दे देते। शाम में ले लेना, अभी है नहीं, दरअसल फिर मुझे अंदर जाना पड़ेगा। दरअसल क्या है, सब्जी वालों को देना पड़ता है ना। अच्छा, तो मेरे पल्ले कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, शाम में आके एक बार फिर घूम जाना। हाँ। शाम में कुछ अंजाम कर लेंगे। शुक्रिया शुक्रिया सेठ जी। अच्छा क्या हुआ तुम इतनी? ब्राह्मे में भी वही हुआ। फिर झगड़ा हुआ? नहीं, वो लोग पहले से मन बनाकर आए थे कि खरीदेंगे तो अपने ही दाम पर। गांव वाले भी अड़ गए। पानी देना, प्यास से गला सूख रहा है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, सब्जी लेकर वापस आ गए। मुझे लगता है कि झगड़ा बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है।
ठीक ठाक चल रहा था। क्या ठीक ठाक चल रहा था? तुम चाहते हो कि वो लोग मनमानी करें और गांव वाले कुछ नहीं कहें। तुम ही कहते हो ना कि यहाँ 10 रुपए में 10 किलो टमाटर है और वही रांची जाकर 8 रुपए किलो हो जाता है। ऐसा है तो कहता हूँ। सोचो जरा, जाने का भाड़ा और क्या? अरे अपना फायदा नहीं लेंगे वो? हाँ, वो फायदा देखेंगे। जो उपजाए वो 1 रुपया और जो सिर्फ यहाँ से वहां ले जाए वो 8 रुपया। हम कर भी क्या सकते हैं, सब कुछ तो उनके हाथ में। दीदी और शिवू भी साथ दे दे तो? शिवू क्या कर लेगा, उसका खुद अपना ठिकाना नहीं है, जाने क्या क्या करते रहता है। जरा साड़ी दे देना, मैं नहा लेती हूँ। जब पढ़ने और लिखने का क्रम एक जगह मिला तो हम लोगों में संपर्क बना। इन लोगों ने मुझसे कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, थोड़ा हम लोग को सलाह दीजिए और हम लोग को गाइड कीजिए। और इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आने लगे। गांव में महिलाओं के साथ बैठक होती थी और वहीं पर हम लोग चर्चा करते थे कि किस तरह से महिलाएँ संगठित हों और अपना कोऑपरेटिव खुद बनाएँ और अपने आप दाम तय करें और उसको अपने से बेचे। अरे खेत की सब्जी खेत में ही सड़ जाएगी, क्या फायदा हुआ उन लोगों से लड़ाई मोल लेकर? तो तुम क्या चाहते हो, वो 2 रुपया 4 रुपया जो दे हम उसी में बेच दे उनको? सब्जी लगाओ, खाद डालो, पानी डालो, रखवाली करो और जब बेचने जाए तो दाम वो लोग बोलेगा। अरे उतना में तो खाद और बीज का दाम भी नहीं निकलता। हाट में उन लोगों को नहीं बेचेंगे तो करेंगे क्या? कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मगर सब्जियां तो थोड़े ही दिन में सड़ जाएंगी। और ये भी तो सोचो, जो 2 रुपया मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। वो क्या होता है दीदी? वो एक बड़ा सा ठंडा घर होता है, उसमें सब्जी रखने से बहुत दिनों तक नहीं सड़ता है। दीदी वो तो अभी गांव में बन भी नहीं सकता। अभी तो ये सोचो, जो सब्जियां सड़ रही है उनका क्या करें? देखो हम तो सोचते हैं कि उस्मान भाई से। बिल्कुल नहीं, सब्जी सड़ जाएगी तो फेंक देंगे, लेकिन उस्मान मियां जैसे बिचौलियों को बिल्कुल नहीं बेचेंगे। हाँ शिवू अगर साथ दे तो। इसमें मैं क्या कर सकता, मुझे थोड़ा रांची जाना है। प्रभाकर ने खबर भेजा था। शिवू तू रांची जा रहा है ना? हाँ। तो दीदी से ट्रक की बात कर लेना तू। पता नहीं मुझे फुर्सत मिलेगी कि नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। उस्मान मियाँ के साथ अड्डा लगाने का फुर्सत है इसे। रहने दे शांति, अब जो करना होगा अपने मिलकर हम लोग करेंगे। उस्मान भाई, क्या सुन रहे हैं हम लोग? ये मांडर वाले अपने से रांची जाकर सब्जी बेचने का प्लान कर रहे हैं। रांची ट्रक मिलेगा तब ना, सिर पे उठा के ले जाएंगे सब्जी रांची। अरे ट्रक तो ढूंढ रहे हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। करना तो कोशिश, जब से इन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लिया है तेवर ही बदल गए इनके। पढ़ना लिखना? अरे हाँ, वो क्या नाम है, अरे वो मोटी, वो मोटी। हाँ तो वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानती है, साक्षरता के नाम पे न जाने क्या क्या सिखा दिया गांव वालों को। तब से देख लो इनके रंग ही बदल गए। करता हूँ, उसका भी इलाज करता हूँ।
उस्मान भाई, मेरी मानो तो शिवू को अपने हाथ में ही रखो, गांव वाले बहुत मानते हैं उसे। शिवू वो रहा अपना दोस्त है, कहो तो मिलवा देते हैं सेठ से, और जरूरत पड़ी तो वो लोग तो मतलब देख रहे थे कि अगर ये लोग सच में संगठित हो जाएंगे तो हम लोगों का नहीं चलेगा, और उसको देखते हुए भी महिलाओं के ऊपर और ही मतलब अन्याय ज्यादा बढ़ने लगे कि चलो इनको हम लोग कैसे इनमें फूट डाल दें ताकि लोग एकजुट ना होए। सेठ जी, शिवू की गांव में बड़ी धाक है, अपना दोस्त है, अब मामला इतना उलझ गया है कि मैंने सोचा कि आपसे मिलवा दूं। देखो उस्मान, हम तुमसे अलग थोड़े ही हैं, तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। शिवू, सेठ जी के साथ रहोगे तो? देखो शिवू, हमने सुना है कि गांव की महिलाएं कोऑपरेटिव बना रही हैं। दरअसल तुम लोग समझते नहीं हो, सब्जी के धंधे में कितना झमेला है, इसमें कितनी पूंजी फंसती है। इसमें क्या है सेठ जी, वो लोग अपना काम कर रही हैं, मैं इस मामले में नहीं पड़ता। शिवू चाहो तो तुम भी उस्मान मियां के साथ लग जाओ, दो पैसे तुम भी कमा लोगे, क्यों उस्मान मियां? ठीक ही तो कह रहे हैं सेठ जी शिवू, वैसे भी सेठ जी तुम्हारी मदद करते रहेंगे। अच्छा तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं दलाली करूं, अपने ही लोगों को धोखा दूं? इसमें धोखा क्या है, यह तो धंधा है। बस आप बोल लिया ना, अब मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं, आगे तुम लोगों को जो करना है करो। सेठ जी, पानी सिर से ऊपर होता जा रहा है, अब तो दूसरा ही फार्मूला अपनाना पड़ेगा। ये तुम देख लो, मामला कहीं दूसरा रूप ना ले ले। उस पर छोड़ दीजिए सेठ जी, यहाँ जो बाजार में लूट होती है और किसानों के साथ खुलम खुला अन्याय, ये बर्दाश्त के बाहर वाली बात गांव तक काफ़ी लोगों में समझ में थी, इसलिए जब महिलाएं संगठित होने लगी तो हम लोग कैसे गांव-गांव को एकजुट करके इसको आगे बढ़ाएं। मंगरी, कलारा दीदी को देखी थी? नहीं तो अभी तक तो नहीं देखा। बच्चों को तो देखा था। अरे शिवू, सुना तो तुम उस्मान के साथ रांची गए थे? हाँ, अच्छा मैं घर पर ही देख लेता हूँ। अरे अब जल्दी भी करो, वहाँ कब का नाश शुरू हो गया होगा। बर्तन ऐसा ही छोड़ के जाते क्या, तुमको जल्दी है तो जाओ। अरे सुना तुमने, वो उस्मान जो है लोगों से क्या कहता फिर रहा है? मुझे तो लगता है बेकार में ही तुम लोगों ने इस मामले को। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने, कौन नहीं जानता उस्मान मियां को, वो मनमानी दाम पर जबरदस्ती सब्जी खरीदना चाहता है, हमें उसके जात से कोई लेना देना नहीं है। पर लोग तो ऐसा नहीं मानते ना, वो तो लोगों से कहता फिर रहा है कि हम लोग जो हैं वो लोगों को। उसके जो मन में आए कर ले, दरअसल वो महिलाओं की कोऑपरेटिव से डर गया है। बता रही थी शांति कि कैसे वो शिवू को फुसलाने की कोशिश। अरे शिवू आओ आओ। तुम ठीक कह रही थी, वो मुझे अपने सेठ से मिलाने के लिए रांची ले गया था, खरीदना चाहता था मुझे, लेकिन मैं पूरा पूरी तुम लोगों के साथ में हूँ। अरे मैं जानती हूँ। अच्छा चल
अब हाथ मुंह धो ले और जल्दी से कुछ खा ले। नहीं दीदी, मैं तुरंत नाश्ता करके आया हूँ। और तुम क्या अखाड़ा जाने के लिए तैयार हुए हो? और इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जाएंगे? अच्छा तुम लोग आगे चलो, मैं दरवाजा लगा के आती हूँ। ठीक। फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर उस तरह की बात है तो क्यों ना हम लोग स्वयं सहायता समूह में पैसा अपना जमा करें, जिससे कि बैंक की ओर से भी हमको कुछ मदद मिल सकती है, तो हम लोग धीरे धीरे करके अपना ट्रक भी ले सकते हैं, उससे भी हम लोग बाहर सब्जी भेज सकते हैं। इस तरह की बात भी आई। करीम मियां, अच्छी खासी दाढ़ी थी, उसको हटा दिया। इस्लाम में दाढ़ी का कुछ मतलब होता है। उस्मान भाई, अब दाढ़ी रख के क्या होगा? सुना है मांडर की औरतें भी मंडी जाने की बात कर रही हैं और ट्रक भी खरीद रही हैं। हम लोग ट्रक खरीदें चाहे बस, इसमें तुम्हारा क्या? हमने तुमसे तो कुछ नहीं बोला ना। तुम बोलोगे क्या? खेत की सब्जी खेत में ना सड़ा दिया तो कहना। ठीक है, सड़ जाएगा तो खाद बन जाएगा, तुम्हारा क्या? बड़ी बिल्ली तो बड़ी बिल्ली, छोटी बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं। चलो मंगरी, इसके तो मुंह भी लगना बेकार है। जाओ जाओ जाओ, 10-10 रुपए इकट्ठा करके ट्रक खरीद लेना। साक्षरता प्रोग्राम के साथ साथ हम लोगों ने साक्षरता लिटरेसी एक अंग है, साथ में जन जागृति और अवेयरनेस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया। और इसी की वजह से साक्षरता के साथ लोगों में चेतना आई कि हम कैसे अपने आत्मनिर्भर होने के लिए अपने हक की लड़ाई हम कैसे लड़ें। दीदी, अब तो हिम्मत टूट रहा है। सुना है बसिया वाले फिर से पुराने दाम में सब्जी देने लगे हैं। तो क्या करेंगे, सब्जी सड़ जाने से तो अच्छा है ना। घर वाले तो बोल रहे थे तुम लोगों का ट्रक भी आ गया और सब्जी मंडी भी ले गए। देखो, इस तरह के काम में थोड़ा आगे पीछे तो होता है। अच्छा दीदी, हम लोग जो स्व सहायता समूह में रुपया जमा किए हैं उसमें और कितना दिन लगेगा? देखो, शिवू को तो बोला था बैंक जाकर पता करने के लिए। क्यों रे शिवू, बैंक गया था? हाँ दीदी, बैंक गया था और मैनेजर से बात की। आपके स्व सहायता समूह को 2-3 महीने में ट्रक खरीदने का लोन मिल जाएगा। क्या सच में? हाँ, अब हमारा अपना ट्रक होगा। हाँ, और उस पर लिखा होगा सब्जी उत्पादक महिला समिति मांडर, डिस्ट्रिक्ट रांची।